हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे ना मेरा आप सभी का और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू व्लॉग पे। तो यार आज के व्लॉग की शुरुआत अपने हो रही है पहाड़ से, ये वादियों के बीच है। इधर पे भाई यार सनराइज है, बहुत ही प्यारा। बाकी यार मम्मी लोग तो सब हो रहे। तो यार मम्मी लोगों की शुरुआत, तो भाई लोगों की शुरुआत बाहर निकलने से होती है। मम्मी की बाहर आते ही बटन धोने से और नमन के पानी से आने से और मेरी फ़ोन चलाने से। तो यार अभी सुबह सुबह भाई यहीं पे मैं थोड़ा टहला जा रहा है। बाकी अपने पास अभी तो कुछ है भी नहीं ज़्यादा, बाकी अभी नहाना धोना है यार। लेकिन रात भर भयंकर नाक बंद ने बहुत ही परेशान कर दिया यार भाई। रात भर जो है नाक बंद थी उससे बहुत ही परेशानी हो गई यार। ना रात को सांस ली जा रही ना सांस चढ़ी जा रही करना पड़ा। हंसी आ रही मुझे उस टाइम पे तो, लेकिन भयंकर कैसे क्या करते। ये देखो वहाँ पे कोहरा है अभी और वहाँ को भी सब कोहरा है। टॉप पे यार अपने पहाड़ अपना पहाड़ जो है थोड़ा टॉप पे है। बाकी देखो बुआ के फूल हैं, ये बुआ के फूल हैं जो बुआ ने यहाँ लगाए हैं और थोड़ी ये पेड़ वेड़ लगाए हुए हैं। बाकी एक मंदिर है उधर पे, एक मंदिर ये हमारे घर के जस्ट पीछे एक हमारे वहाँ पे भी एक मंदिर है। तो बस अभी थोड़ी देर टहलते हैं इधर पे। तो यार अभी फाइनली टाइम है दोस्तों भाई। टाई गुड मॉर्निंग, कैसी लगी आगे सुबह? वगैरह तो रात में नाक बंद से इनके सामने में परेशानी हो गई, अब तो गला भी बंद हो गया। तो यार अभी सुबह सुबह थोड़ा गले में दर्द वर्द हो रही थी, तो अभी हमको मिली हुई है चाय, मतलब सॉरी चाय नहीं, अदरक का पानी है ये। तो बाकी अदरक का पानी भी पी रहा हूँ भाई, थोड़ा गले में दर्द हो रही है इसलिए अदरक का पानी पीते हैं। यार अभी घर में यहाँ मधुमक्खी का शहद निकालने की तैयारी हो रही है। बाकी भैया आए हुए चला रहे, उसमें से शहद निकालेंगे। चले जाओ बुआ से बोलना क्या रही। अभी देखो भैया ने यहाँ पे शुरुआत कर दी। यहाँ से निकालेंगे, अरे इसको तोड़ना पड़ेगा, ये काटते भी है ना। मम्मी तो आगे चले के ये काटते हैं। अभी पूरी तैयारी हो रही भाई। फर्स्ट टाइम देखने वाला है सब से शायद कैसे निकलता है। बाकी भैया ने थोड़ा थोड़ा धुआं धुआं कर रखा है इधर पे। आगे से उड़ेंगे अंदर से उड़ेंगे, यहाँ को भी आएंगे वहाँ को भी जाएंगे। ओहो अच्छा करना डर लगे कहीं आके काट तो नहीं दिया। काट दे तो फिर लोहा दिखा पड़ेगा पर आप दो दे दिए भाई। बाकी तो भी आ गए दो पर आदमी लेके आए, इनमें देखते हैं कितना होगा। बाकी अभी भाई यहाँ पे देख रहो जैसे निकाह खोला ना ऐसे वैसे लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा दूर दूर हो जाता है यार, थोड़ा दूर दूर हो जाता है। बिल्कुल
भाई इतना बड़ा छत्ता मधुमक्खी का यहाँ पर लेना नजदीक से। अरे नजदीक आ रही है, आ रही है नजदीक से। राजा काटेंगे इतना बड़ा छत्ता है भाई। तब नौ सौ होलो तब पाजेंद्र नौ में भरन जी उन्होंने ना ना पूरे यार को इतना बड़ा छत्ता है। अरे पूरे यार को लाइट बंद कर दिया, लाइट बंद तो वीडियो की चलनी है। मैंने यूज़ करा था है पुराना नहीं 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 सब देख लो भाई तत्ता इसमें है अंदर कुछ निकाल दिया आराम से परात परात रुको एक परात है तो परात चले ओए होए सिद्ध बाइट में डालना यार भाई आंखों में लग रहा है तक गंदा हालत हुआ रास्ता पकड़ा इसमें नया ताजा ताजा शहर सब बन गया यार। वहाँ बाहर भी नहीं कदर आते ना भयंकर सारी मधुमक्खी अंदर देखो भयंकर सब मधुमक्खी मधुमक्खी है। भाई इधर मधुमक्खियां कितनी सारी है वो देखो सब पीछे मधुमक्खी मधुमक्खी है यार। शायद टपक रहा बिल्कुल कोई बात नहीं वो खा लेंगे उनके लिए भी तो चाहिए। इतनी सारी मधुमक्खियां हैं ताऊ जी लगा रहे धुआं भैया निकाल लें। कमल भैया कितनी सारी है तो सिंह तो हाथ में छेड़ा रही आप भी आ गए हमारे क्षेत्र में फोन नहीं आ रही को तो यार अभी यार गोबर से इसे बंद करा जा रहा है। नहीं मिट्टी से गोबर नहीं लगता। तुमने गोबर बोला तो मैंने गोबर बोला। गोबर नहीं लगता था मिट्टी से ऐसे बंद करा जा रहा है। गोबर की जो सुगंध आती है उसकी वजह से मधुमक्खियाँ बहुत कम आती है मिठास से ज्यादा आती है। पार्टी दे आना पार्टी यार अभी मैं आया हुआ हूँ घर के जस्ट पीछे मंदिर है हमारे वहाँ ये इनर एरिया
बाकी ये है भाई मंदिर अपना, थोड़ा सा ही दो, ये अपना मंदिर है। ताऊ बंदे पूजा करने वाले हैं, नमनी है ताई यहाँ पे माता देख रही है, और ये हमारे घर के जस्ट पीछा लेके से चलता है, इसे भी चढ़ा दे। कैसे चढ़ा दे अंदर? ताऊ को दे दे ताई, ताऊ तो अभी आया है, थोड़ा सा मंदिर पे बैठते हैं फिर अभी चलेंगे कमरे पे वापस। यार अभी इसमें नजर पड़ी मेरी, ये सब मंदिर के बाहर से लिखा हुआ है, ओ एडी देव ना एडी रे, सब मंदिर के उन क्या कहते हैं जिन उनका वो है वही जगह शायद, ये रहा दादाजी का नाम। और इस मंदिर को सुन, जैसे में बना हुआ है यार, 1971 से बना हुआ है मंदिर, ये हमारे चंद्र सिंह जी मंदिर का सूर। अरे मेरे को हिंदी पत्ते अच्छी नहीं है, ताऊ बोल के बताएंगे, ताऊ पढ़ के बताओ। जय हो अरे जा बच्चे का जगह जय। ये हमारे समस्त ग्राम सभा का जो अरे राजा बच्चे राजा का मंदिर है, इस मंदिर का नव निर्माण नाथ सिंह पुजारी जी के बुजुर्ग जो थे उन लोगों ने किया, उसके बाद जोगा सिंह प्रधान जी माल गुंजार के नाम से जिनको जाना जाता है, और उनके भतीजे स्वर्गीय चंद सिंह जी के माध्यम से जो प्रधानचारी भी रहे और सभापति रहे 17 साल तक, ग्राम प्रधान के पद पर जिसको 52 से लेकर 62 तक, उसके बाद उदय सिंह जय सिंह त्रिलोक सिंह जी के द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। और आज भगवान की ऐसी देन रही कि उनके चंद सिंह जी के पौत्रों के द्वारा इस मंदिर का फिर भव्य आगे और स्वरूप दिया जाएगा, और दिया भी है। इसमें हमारे मंदिर कमेटी के अध्यक्ष विक्रम सिंह जी जो हमारे नमन के या मोनू के ताऊ हैं बड़े पापा, और समस्त जनता जनार्दन को उन्होंने समर्पित किया है, तो हमारे बच्चे लोग आगे को और अच्छा इसको विकास करेंगे। धन्यवाद। तो ये था भाई ये मंदिर की पूरी हिस्ट्री जो तुम्हें ताऊ ने एक ही बारे में बता दी, बाकी अभी चल रहे हैं भाई घर पे यार। तो यार अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं घर को, सॉरी मंदिर मंदिर। यहाँ से देखो वो रहा बुआ का स्कूल जहाँ बुआ पढ़ाती है, जो हल्द्वानी में बुआ रहती है परिया बुआ, जिनको हमने भितौली भी दी थी वो वहीं पढ़ाती है वाले स्कूल पे। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं भैया ऊपर, मम्मी लोग यहाँ हैं, ये मम्मी हो गई बगल में ताई हो गई, तो अभी हम लोग चल रहे हैं सीधे सीधे ऊपर हो जाएंगे, गाड़ी पर आएगी। ओहो बाकी भाई एक मंदिर है रहा, ये है सैम देवता जी का मंदिर नीचे है, अभी चलते हैं ऊपर को सीधे सीधे। तो यार यहाँ यार पहाड़ की पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं यार, ये ऊपर 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 तक। ताई ये पेड़ की लकड़ियाँ महंगी आती हैं, ये पेड़ की लकड़ियाँ बहुत महंगी आती हैं यार, अभी चलते हैं ऊपर को यार। यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई एड़ी देवता के मंदिर, अपने एड़ी राजा बरसी राजा के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। बाकी ये अपनी कार रही भाई, देखो जो कितनी गंदी हो चुकी है, ये सब बच्चों ने बहुत कुछ लिखा भी है पीएससी से, इंस्टाग्राम आईडी अपने अपनी इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है बच्चों ने, फॉलो प्लीज भी लिखा है। लेकिन अभी हम पहाड़ तो पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए, देखो ये रहा मंदिर का बैक एरिया, ये यहाँ का बैक एरिया हो गया। बाकी यहाँ पे है थोड़ा पानी की सेवा के लिए, कृपया अपने जूते नहीं जूते जूते क्या लगा ये लिखा है, कृपया अपने हाथों तो जूते बर्तन स्वयं धोए, खुद धोने पड़ते हैं। मंदिर में कौन धोएगा फिर, जो खाएगा वो। हाँ तभी यहाँ पहुँच गए भाई, थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे, अब थोड़ा मंदिर में दिखाता हूँ फिर चलेंगे। यार ये देखो यहाँ का मेन गेट, जहाँ से लोग अगर यहाँ से पैदल आने का भी रास्ता है ना, नीचे साइड से पैदल आने का, तो जो लोग पैदल आते हैं उनके लिए भाई यहाँ पे मेन गेट है, और जो कार से आते हैं उनके लिए उस साइड पे कार पार्किंग वाला एरिया बना रखा है। बाकी यहाँ पे सब लगी हुई है घंटियाँ। सर्दी जुकाम लग गया है पहाड़ आते ही, बाकी यहाँ पे सब ये लगी हुई हैं।
ये मंदिर का साइड वाला एरिया हो गया, और ये रहे भैया देवता हमारे, कुल देवता बोले तो। अभी दिखाता हूँ आगे सर को। अभी हम लोग यहाँ आ गए, अंदर से पंडित जी आ रहे हैं, वो देखो पंडित जी आ गए, बाकी ये रहे और वो रहे हमारे देवता, ऊपर पे राम जी का झंडा, और बाकी एक गेट इधर पे पीछे वाला भी, कोई लोग पीछे से भी आते हैं ना, पीछे से भी रास्ता है, वहाँ का गेट भी है। ये यहाँ के झूले हो गए, और भाई इधर पे पेड़ वेड़ हो गए, एक मंदिर उधर ऊपर पे भी है, मतलब इस साइड से रास्ता है, वो जो वाला गेट है उससे रास्ता जाता है ऐसे करके ऊपर को, वहाँ जाके है एक मंदिर, वो हो गया। बाकी उधर पे खाना जो बनते हैं उन सब का रास्ता है, और लोगों को अगर बैठना है तो यहाँ पे का भी है, बैठने का भी है थोड़ा सा, बैठने का नहीं मीटिंग एरिया है। हाँ मीटिंग एरिया, बैठ के तो मीटिंग होती है अभी। वहाँ पे दिखा, वहाँ इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हाँ ये धुनी है यहाँ की, एक दो तीन चार, चारों ओर देवता लोग नाचते हैं। मेरे पे पड़ी है शायद वाली वीडियो, मिलेगी तो डालूंगा। हाँ यहाँ से दिख रहे क्या देवता, अंदर अंदर ही दिख रहे, अभी जाएंगे ऊपर वाले मंदिर भी जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे थोड़े दो कमरे हैं जिनमें सामान रखा हुआ है, किचन भंडार घर है, हाँ। तो थोड़ा मंदिर का और टूर दिखाते हैं। अभी नमन ने यहाँ पे पैर वैर धोए, मैंने भी पैर वैर धो लिए, बाकी ताई भी आ गई है, बाकी ताई दे, ताई को अच्छा लगता ना फूल, ताई दे फूल कितने अच्छे हो रखे, ताई को फूलों का बहुत शौक है यार, देखो छोटे छोटे यहाँ पे रोज वोज बहुत हो रखे हैं, बढ़िया तरीके से यहाँ पे सब ऐसे फूल वाला एरिया ही है पूरा, ये छोटे छोटे वाले भी फूल भी हो रखे, कुछ ऐसी जो होते हैं ये वाले, बहुत तरीके के फूल हैं इसमें, वो बात अलग है, अभी इसमें आई नहीं है, है? जो ताई को पता है सारे फूलों का नाम, हमको तो कुछ भी नहीं पता, ताई को ही शौक है ना, ताई है ग्रेजुएशन वाली, ताई को फूलों पे, फूलों के बारे में बहुत जानकारी है, ताई ने अपने मायके में पढ़ाया था कुछ। यहाँ थोड़े से यहाँ पत्थर तो घास और चुबरी पैरों में, बस और कुछ नहीं, बाकी ताई भी है, ताई को पता होता है ना भाई हर इस चीज़ बारे में, हमको तो इतना नहीं पता है अभी, हमको तो फूलों के बारे में कुछ नहीं पता है। बाकी ये रहा एंट्रेंस गेट जो यहाँ से पैदल वालों को बताया था, उसके मेन दरवाजे में यहाँ पे है ओम, ये ओम हो गया, यहाँ पे गणेश जी की फोटो हो गई, अभी ये और बनना बाकी है, अभी ये थोड़ा काम कंस्ट्रक्शन इसमें और चलना था, मतलब थोड़ा काम और बचा है, अभी तो काम बहुत है वैसे, यहाँ अभी बहुत काम चलना है अभी, अभी एक चीज़ और बन रही है मंच, अब पता नहीं वो किस टाइप का बनने वाला है, लेकिन जब बनेगा तब दिखाऊंगा, अभी तो मुझे भी नहीं पता किस साइड में बनने वाला है। बाकी हाँ यार ये धनुष बाण है इधर पे चढ़ा रखे हैं, लोगों ने धनुष बाण भी चढ़ाया है इधर, ये भी त्रिशूल भी है, ये भी है, ये क्या है चुन्नी, खाली चुन्नी चढ़ाई हुई है सब यहाँ पे, ये चीज है पूरे पेड़ पे चढ़ाया हुआ है सब चीज पे, इसमें धनुष हो गया और वो सब है, बताऊ उस साइड पे गए हुए हैं थोड़ा सा चेक करने एरिया, बाकी अभी हम लोग भी चलते हैं आगे मंदिर के फ्रंट गेट पे। तो यार ये देखो यहाँ पे गणेश भगवान जी की है, और यहाँ पे कुछ लिखा भी है, श्री गणेश नमः, एडी राजा वर्षी गाजा की जय, जय गोलू देवता, जय गणेश श्री, नहीं श्री गणेश, यहाँ थोड़ी थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है, क्या कर सकता हूँ उस पर, पहले को पता है। बाकी यहाँ पे ये एक शेर भी है, और धनी इधर पे हो गई, बाकी अंदर बीच में मंदिर का एरिया हो गया, और बाकी एक इधर पे और है शेर, और यहाँ पे ये है एडी राजा वर्षी गाजा, ये है हमारे देवता, बाकी इसमें भी लिखा हुआ है, और यहाँ नीचे भी है एक, बाकी तो पता ही हो गया, मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है तो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं करा जाता है, बाकी भी चल रहे हैं। तो यार सभी मंदिरों पे एक रूल होता है कि बेल्ट पहन के तुम कभी अंदर नहीं आ सकते हो, तो अभी मैंने भी अपनी बेल्ट उतार दी भाई, ये रख दी अपनी बेल्ट, अब चलते हैं अंदर को, अब चलते हैं अंदर, अंदर पे भी बहुत सारे मंदिर है। यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं भाई सारे मंदिरों की, सबसे पहले आते हैं शिव जी का मंदिर, शिव पार्वती जी का परिवार है पूरा ही, इसमें गणेश भगवान शिव जी की गोद पे और कार्तिकेय माता जी की गोद पे, और बाकी ये इसके बारे पे लिखा हुआ है, ये जो आम
दादी लोगों ने यहाँ दिया है था वो है, उसके उसमें लिखा हुआ है। मेरी पैंतीस जी को सड़क जा रही है। बाकी उसके बाद आता है हनुमान जी का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है एडी राजा बरसी राजा की जय, प्रेमपति माता पिता की स्मृति में श्री हनुमान जी की मूर्ति को, जो भी लिखा है भाई उतनी हिंदी अच्छी नहीं है। उसके बाद आता है दूसरा मंदिर, सॉरी तीसरा मंदिर आता है, यह है अपना लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर। ये नारायण जी हो गए, ये लक्ष्मी जी हो गए और ये इनके बारे पे हो गया, सब इनके बारे पे हो गया। और अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इधर पे राधा कृष्ण का मंदिर है एक, ये रहा राधा कृष्ण जी का मंदिर और ये इसके बारे पे ये सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है भाई इसके बारे पे। बाकी दो मंदिर और अंदर हैं, पापा लोगों को अंदर मैं चलता हूँ छोड़, दो नहीं एक ही मंदिर है उस पर कोई शक नहीं है, मेरी पैर के नीचे कुछ रख दी है। ये रहा राम भगवान जी का मंदिर जिसमें कि तुम्हें हमारे गोलजू देवता भी घर पर सामने है, हनुमान जी भी हैं और बाकी राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी। और ये है इसके बारे पे, तेरी अब सही है, ये है इसके बारे पे। बाकी एक शिव जी की यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है नॉर्मली पे और जय श्री राम। और बाकी ये रहा यहाँ का मेन मंदिर जहाँ पंडित जी अभी कर रहे हैं सफाई। प्रणाम। ओहो बच्चे और सब ठीक हो? बढ़िया आशीर्वाद। पहले सब ढीले सब है, पाठ कर ला, पाठ करेंगे कोई नहीं करेंगे, पहले पूजा तो पाठ किया ना, सब सफाई चल रही है। हाँ तुम सफाई करो। बाकी कुछ इधर पे है, एक दो तीन चार फ्रेम्स इधर पे लगी हैं और एक मंदिर है भाई इधर। लेकिन यहाँ का रूल है यहाँ पैंट पहन के तुम कभी नहीं आ सकते हो, जो धोती पे खाली वही लोग आएंगे और कोई नहीं। तो अभी चल थोड़ा वेट करते हैं, पूजा कर रहे हैं उसके बाद मिलता हूँ। अभी तो अभी चले गए सफाई करने, तो सफाई चल रही है। तो यार यहाँ पे लगे हैं मंदिर के QR कोड भी लगे हैं, तुम चाहो तो इसमें पे कर सकते हो, मतलब भेज दे सकते हो अपनी। लोग बहुत सारे जो ऐसे आते हैं ना आजकल के टाइम पे ऑनलाइन पे भेज कर देते हैं, उसके लिए भी पूरा ऑनलाइन का प्रोग्राम भी कर रखा है। दो चार QR कोड है, एक दो इधर पे हैं, दो उधर पे हैं, एक वो हो गया, एक वो हो गया, एक इधर पे है, ऐसी एक जगह QR कोड और होगा सर। बाहर भी है जगह जगह लगा रखा, क्योंकि आजकल लोग ऑनलाइन कर देते हैं, तुम भी कर सकते हो ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन करोगे तो मुझे कमेंट कर देना, हमने भेज चलाई और अमाउंट लिख देना, हो गया बस। बाकी मम्मी भी यहाँ पे खड़ी है, ताव बंदा कर रहे हैं सफाई मंदिर के, भी मस्त तरीके से कर ये लोग कर रहे हैं सफाई। और अभी हम लोग यहाँ बाहर से पहनते पहन के अंदर जाना नहीं जा सकते ना, बहुत अल्लाह वाला सीन है। तो अभी पंडित जी लगा रहे, मैं सॉरी पंडित जी कह रहा हूँ, गुरु जी लगा रहे पिथिया। नमन भाई भी आ गए अपने, मन नहीं लग रहा है। अरे यार नहीं लगाओ यार, कल तो कैसे भविष्य उज्जवल होगा यार, अपने भविष्य को तो आप ही कुछ सोचा है, अब पढ़ाओ पढ़ाओ करके तो बच्चा खरीदना पड़ेगा। आप ठीक हो? आपका मन लग रहा है? नहीं लग रहा है ना इनका पढ़ाई में, मन लगाओ यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया यार। हाँ मन लगाओगे ना सब हो जाएगा यार, एकदम नहीं लगता है ना पढ़ाई में, तो बच्चा काफी पढ़ता है। गुरु जी ने कर दी थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी हमदी भी कर ली, हो गई मीठा भरा। अच्छा बाकी अभी पूजा की हो रही है तैयारी, पूजा करनी है। तो यार वहाँ पे एक देखो वो रहे अपने देवता और आगे पे शिव जी के डमरू और
पास कर दिया मेरे दिनों को भल बुद्धि दी थी भल बुद्धि दी थी अरे बुद्धि तो यार ठीक ही है बच्चे तो आपके ऐसा तो बढ़िया पढ़ाई नहीं करा यार गड़बड़ कर रहे हैं कुछ देखो तो ऐसे ना हाँ कुछ गड़बड़ है इसका भैया हाँ फाड़ाओं को आता है पता नहीं क्या करता है खेल खाल ऐसा करता है अभी हम लोग आए हुए जो तुम्हें बोला था ना ऊपर पे मंदिर है करके वहाँ से बोला था ना तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए ये रहा मंदिर माँ की ताई लोग आगे हैं और ये रहा है नमन का कच्चा देख रहा है अंदर से पहनी नहीं है अंदर से पहन रखी मैंने अभी यहाँ पे है भाई तीन मंदिर ऊपर ये साइड पे एक शिव जी का एक किसका है एक माता जी का है और एक देवी का और एक जाके पता चलेगा ये वाला मंदिर जो है ये शिव जी वाला है ये पूरा मंदिर ये वाला मंदिर ताऊ ताऊ से पूछते हैं ताऊ ये सिद्ध बाबा जी का मंदिर है ये वाला और यहाँ पे भी एक ध्वनि है और उसमें से आवाज आती है लेकिन सबको नहीं आती है आवाज उसमें से सबको नहीं आती है खाली देवता लोग जिनको आते हैं उनको आती है और यार ऊपर देखो ये मुन से तो मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा ऊपर चढ़ गया तो चप्पल खोल ले नमन ये रहा मंदिर जय जय सिद्ध सिद्ध माता की सिद्ध बाबा की जय सिद्ध बाबा माटी कह रही है ये लोग तो कहते सिद्ध माटी सिद्ध माटी तो यार तीनों ऑटो तो जो लिखा है वो पढ़ना तीनों ऑटो ताऊ ताई तो सीधा खड़ा तो फोटो खींचता हूं भाई ये जो है ना इससे आती है आवाज लेकिन इसमें सबको सुनाई नहीं देती है सारी देवी देवता और इतने सारी इनको देवता आते है ना आवाज मार दो हेलो बोल देख ले जय श्री राम कह दे जय श्री राम कह दे आवाज बैक पक्का आएगी वो कहेगा तू तेरे को सुनाई देगा तू को मेरे को क्यों तेरे जन्म हुआ है ना क्या कहना जो कुछ कहता है क्या कहना अरे राजा बरसी राजा को कान लगाए रहना हाँ कान लगाए रहना अरे राजा बरसी राजा की जय को कान लगाए रखना ऐसे बोलूं हाँ अरे राजा बरसी राजा की जय जोर से हवा भी हवा के आवाज नहीं आ रही हाँ जोर से बोल ना अरे राजा बरसी राजा की जय नहीं आ रही आती है पागल चल ताकि ये पेड़ को नाम है भाई मुझे तो आवाज ही नहीं आई पापा लोग तो कह रहे थे आवाज आएगी ये है देवदास की लकड़ी जो कि ताई लोग कह रहे थे बहुत महंगी आती है यहाँ तो भाई सभी देवदास ही देवदास है इतने सारे इलाका है लेकिन यहाँ से अगर कोई पेड़ काटता है ना तो पहाड़ की जो लोग है ना हमारे उत्तराखंड की भाई वो बेकार हो जाती है उसमें फिर वो वाली फील नहीं रहती ना उत्तराखंड वाली जो रियल होती है तो यार अब यहाँ से इस मंदिर पे हमने दर्शन कर लिए अब हम जा रहे हैं शिव जी वाले मंदिर में लेकिन यहाँ पे यार ये वाली घास जो है ना ये बहुत चुभ रही है पैरों में ऐसे करके चलने पड़े ऐसे हल्की हल्की टांग उठा के ये शिव जी का मंदिर है लेकिन अभी ये थोड़ा लॉक है भेंट में सब हाथ लगा दिए बाकी तो शिफ्ट होते हैं ये है मंदिर के बारे में 15 मई 2004 को स्थापित हुआ है बाकी फोटो शूट चल रहा है इनका इधर पे यहाँ से होता है ये देवी का मंदिर तुम अब हम जा रहे हैं देवी के मंदिर पे चाबी लगी है चाबी लाए नहीं छोड़ो वैसे भी पहनते मैं
वो नमन के पास जो पर्स था उसमें था, नमन पर्स कहाँ है? मेरे पर्स नहीं है, तेरे को दिया था। उधर ही रख के आगे। अरे अभी वहाँ है, अभी वहाँ नमन है, पर्स उधर ही रख के आगे अपना। बाकी ये मंदिर भी संपन्न, मतलब क्या हुआ, प्राण प्राथी मतलब प्राण प्रतिष्ठा, ये भी 2004 26/11/2004 पे ये भी स्थापित हुआ है, देवी का मंदिर। मैं कुछ दिखाता हूँ, पता नहीं आमा जब भी आती थी उस साइड को जाती थी। आमा को क्या है, आमा को क्या है जो आमा जाती थी? जंगल है वो, तो जंगल है तो आमा जंगल में भी जाती थी जानवर से मिलने अपने। तो अभी चलते हैं सीधे मेन मंदिर पे, यहाँ से, यहाँ से। तो यार अभी हम वहाँ से आने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ भैरव, भैरव मंदिर। उम्मीद भाई प्रचार करना जरूरी है, तेरी भयंकर पाँव में इतनी गंदी गंदी घास हो रही है। ये रहा मंदिर, लो पेड़ लगा दिए नमन। और ये रहा इसके बारे पे, ये रहा इसके बारे पे भाई पूरी डिटेल्स। बाकी अपना कैमरामैन फिर से फोटो खींचने के लिए तैयार, 5,000 रुपये ले रहे हैं फोटो के, वो फोटो खींचता हूं जाता कि नहीं। बाकी अभी हम लोग चलेंगे, अब फिर शूज पहनते हैं चलेंगे एक बार। तो यार अभी फाइनली अपनी जो है पूजा वूजा सब बढ़िया तरीके से हो चुकी है, सारे भगवानों के हमने दर्शन भी कर लिए हैं, और अब हम जा रहे हैं। बाकी ये तो साइड वाला एरिया जो तुम्हें पता ही है, यहाँ से दिखते हैं यार देवता, देखो घोड़ा दिखता है थोड़ा। और बाकी मम्मी लोग इधर पे हैं, उनकी फोटो खींचनी है। नमन के फोन से बोलो, मेरे पे वो नहीं है इसमें, किसका फोन है? नमन का। तो ब्लॉग बना रहा है, इसी से खींचते हैं फोटो ब्लॉग में आ जाएगा। तो यार अब हम निकल चुके हैं मंदिर से हल्द्वानी आप जाने के लिए, तो अभी बस चले गए थे दर्शन वर्शन करके, और फोटोग्राफर ने फोटो खींची है, मैंने अपनी वीडियो सुनाई है। पर अभी क्या रहा खा के अब चल रहे सीधे, बाकी ताऊ जी यहाँ से निकाल रहे गाड़ी धीरे धीरे करके निकालेंगे, कोई ज़्यादा तेज वेज कुछ नहीं करना इधर, नीचे वो है ना ज़्यादा तेज स्पीड अच्छी नहीं होती है, कौन सुन जाए ना मन को। तो अभी चलते सीधे डेस्टिनेशन अपनी हल्द्वानी। तो यार अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं शाम तक में खाना खाने के लिए, भूख लगी हुई है, फिर भैया की शॉप पे रुके हुए हैं, खाना बना रहे हो, उसके बाद खाने की तुम्हें खाता रुके सभी सब मिल जाएगा खाने के। बाकी टाइम यहाँ बैठी हुई है और मम्मी लोग यहाँ पे हैं, तो खाने को बैठे हुए खाना आ गया, चलेंगे वापस। अभी अपना फाइनली खाना चुका है जो कि रोटी सलाद दाल सब्जी, तो अपना खाना चुका है, खाते हैं खाना जल्दी भूख करने वाले। तो यार अभी सार फतक से मस्त खा पी के निकल चुके हैं, खा के पी के और बन गया, खा के पी के निकल चुके हैं आगे आगे बहुत, मैं थोड़ा व्लॉग देर में शुरू करा। बाकी अभी पहुँचते हैं सीधे हल्द्वानी, पहाड़ पानी पहुँच चुके हैं, पहाड़ पानी, पहाड़ पानी पहाड़ कहते हैं, पहाड़ पानी पहाड़ पूछते क्या कहते हैं, आमा कहती है पहाड़, वो तो आमा पानी है पहाड़ में पानी। तभी सीधे पहुँचते हैं हल्द्वानी डेस्टिनेशन पे, सीधे वहीं पहुँच के अब ब्लॉग शुरू होगा, या रास्ते में कहीं भी रुकेंगे तो वहाँ शुरू होगा। तो यार अभी बहुत देर सोने के बाद अब जाग के खाने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब पहुँचने वाले यार थोड़ी सी देर में, भाई भी हम लोग भीमताल बजस्ट पहुँच चुके हैं, बजस्ट क्या पहुँच ही गए, कितना बड़ा है भाई भीमताल। हाँ बोलो, अभी थोड़ा जाम से निकलते हैं यहाँ से, बोलो आपके बोलो। अरे यार ये देखो भाई साली कितना बड़ा है, सांदा साली कितना मोटा है, नंदी सांदा
जाम से निकल गए हम लोग आगे भाई सीधी शादी रोड पे। सीधी तो क्या ही है, ऊपर खावर सी रोड है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई भीमताल। अरे मोनो रास्ता हम लोग पहुंच चुके हैं। ओ यार अभी तक हम लोग रास्ते से जा रहे थे और हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, हमारा शहर क्या है वहाँ देखा ना कुछ हम नमन ही कहते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते। तो भी चल रहे हैं फिर रस्ते में भाई, और नवे है चलते हैं अभी सीधे। तो यार हम लोग फाइनली एंटर हो चुके हैं हल्द्वानी में, बस हमने घर पहुँचने वाली है। हम लोग तो भाई हल्द्वानी में पहुँच गए, सोते जा रहे हैं। थोड़ा सा दूर है यार घर, घर ही घर का दूर है। बाकी हर समय में पहुँचते घर यार। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर पहाड़ से, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बाकी भाई सबसे पहले आते ही ड्रेस चेंज करी है, और ड्रेस चेंज करके भाई ये वाली ड्रेस पहन ली मैंने। तो अभी भाई बज चुके हैं रात के 8:30, और भाई पहाड़ से आके थोड़ी देर हो गई थी, और अब भाई थके थकाए हैं आप पूरे दिन भर। तो मैं ब्लॉग इधर पर ही एंड कर रहा हूँ, बाकी थोड़ा रेस्ट करता हूँ यार, अब सो जाता हूँ। मुझे बहुत ही गंदी वाली नींद आ रही है, गाड़ी में भी सोया था लेकिन उतना अच्छे से नहीं सो पाया जो अब मैं घर पे सोने वाला हूँ। सुबह नहीं उठूँगा भाई आराम से, 7-8 बजे से पहले मैं नहीं उठने वाला। बाकी का स्कूल तो देख रहे हैं, तो अभी बारी है भाई सोने की। तो अभी सीधे मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे, तब तक अगले बाय। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भाई बाय, जय श्री राम।